गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी साइकिल 2.0 में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे केमिकल फार्मूले को बनाना। आपने केमिकल फार्मूला देखा होगा, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, तो इस तरीके के फार्मूले दोस्तों आपने रटे तो बहुत होंगे, बट क्या आपने कभी सोचा है कि इन फार्मूलों को भी ट्रिक से बनाया जा सकता है? तो दोस्तों आज वही मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आता तो यार लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका कुछ बेसिक्स जान लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई केमिकल कंपाउंड मैंने आपके सामने लिया हुआ है, यानी कि कोई भी अगर मैं रासायनिक सूत्र की बात करूँ, तो जैसे मान लीजिए मैंने लिया हुआ है दोस्तों आपके सामने सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे क्या केमिकल फार्मूला बनाना। चलिए पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपने कोई भी केमिकल फार्मूला देखा होगा, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड हो गया आपका, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों NaCl, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक आपका पॉजिटिव पार्ट होता है, एक आपका नेगेटिव पार्ट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सोडियम पर आपका +1 चार्ज होता है और Cl पर आपका -नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये आपका नेगेटिव पार्ट हो गया, यानी इसको हम लोग धनायन कहते हैं और इसको हम लोग ऋणायन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? ऋणायन कहते हैं। धनायन यानी क्या बोलते हैं इसको? कैटायन, और ऋणायन यानी कि एनायन, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, इस पर जो चार्ज है इसको नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कैटायन बोलेंगे यानी धनायन, और इसको बोलेंगे ऋणायन यानी कि एनायन, ठीक है। तो हमें कुछ कैटायन और कुछ धनायन जो हैं दोस्तों, कुछ बेसिक रेडिकल्स हैं यानी क्षारीय मूलक के, और कुछ आपके अम्लीय मूलक हैं यानी कि बेसिक रेडिकल्स। तो इनको आप याद अगर कर लेते हैं तो आप कोई भी फार्मूला जो है हज़ारों की तादाद में भी आप फार्मूला जो है क्रिएट करना सीख जाएंगे। आपको फार्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, बस आपको क्या होना चाहिए, इनका IUPAC नाम पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। IUPAC नाम पता होना चाहिए। जैसे इसका IUPAC नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हमें जो फार्मूला बनाना है वो सोडियम क्लोराइड का बनाना है, ठीक है। इसके बाद आप फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। तो कुछ दोस्तों आपके क्या हैं, धनायन हैं और कुछ ऋणायन हैं, तो उनको आप याद कर लीजिएगा, मैं आपके सामने शो जो है कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला। तो मैंने कुछ कैटायन जो है आपके सामने लिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कि धनायन, जिस पर आपका धनायन चार्ज होता है। तो ये क्या है? बेसिक रेडिकल्स हैं, क्षारीय मूलक हैं। और आपको याद कैसे करना है दोस्तों? आपको जैसे ये CU है, तो आपको CU के साथ जो है याद करना है, यानी कि धनायन चार्ज CU का कम कितना हो सकता है, अधिक कितना हो सकता है, ये आपको याद रखना है। तो CU का दोस्तों प्लस चार्ज 1 हो सकता है कम, और अधिक से अधिक 2 हो सकता है इस पर प्लस चार्ज। दोस्तों जब प्लस चार्ज आपका कम होगा तो हम लोग इसको Q+ पढ़ते हैं, और जब आपका चार्ज क्या हो, अधिक हो, तो हम लोग इसको Q- पढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने आपके सामने ट्रिक भी लिखी हुई है, ठीक है, इससे आप बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। जब चार्ज आपका कम हो तो आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कम हो तो अस पढ़ेंगे, और जब आपका चार्ज क्या हो, अधिकतम हो, तो आप इक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इक। लेकिन क्या हो, चार्ज धनात्मक होना चाहिए। अगर चार्ज कम है तो अस पढ़ेंगे, तो इसको बोलेंगे Q+, और अगर चार्ज दोस्तों अधिकतम है तो इक पढ़ेंगे यानी Q-। तो ये हो गया Q+, और ये हो गया Q-। अब दोस्तों इसी तरीके से Fe का देखिए, तो Fe पर जो आपका मिनिमम चार्ज होता है +2 और अधिकतम +3, ठीक है। तो अब आपका अगर कम है तो अस पढ़ेंगे यानी फेरस, और आपका अगर अधिकतम है तो इक पढ़ेंगे यानी फेरिक, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जोड़े में याद कर लीजिएगा, हो सकता है किसी के 3-3 हो, किसी के 2-2 हो, तो उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब जैसा कि दोस्तों यहाँ आपका आ जाता है टिन का, तो टिन में +2 चार्ज होता है, +4 चार्ज होता है, ठीक है। तो इसको जब कम है तो हम लोग अस बोलेंगे यानी स्टेनस, और ज़्यादा है तो स्टेनिक बोलेंगे। इसके बाद फॉर्मूला कैसे बनाना है दोस्तों, वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले आप इनको क्या है याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आपका दोस्तों आगे है Hg+, और इसके बाद है Hg+2, ठीक है, मर्क्यूरस हो जाएगा। इसके बाद जब प्लस चार्ज आपका 2 है, ज़्यादा है यानी कि, तो एक पढ़ेंगे यानी मर्क्यूरिक हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों PT है, प्लेटिनम, तो जब +2 है यानी कम रहेगा, जब +4 से अधिकतम रहेगा, अधिकतम है तो एक आएगा, देखिए पीछे एक भी आ रहा है, तो हो जाएगा प्लेटिनिक, और जब
चार्ज कम है तो आशा आएगा प्लेटनस हो जाएगा। आगे दोस्तों पीवी प्लस दो और पीवी प्लस चार दिया गया है, कम है तो अस पढ़ेंगे यानी प्लम्बस और ज़्यादा है तो प्लम्बिक, ठीक है, कम है तो अस और अधिकतम है तो एक, ठीक है, इसको बस आपको याद रखना है। और आपको ये याद रखना है कि जो चार्ज है किसी भी एलिमेंट्स का वो कम कितना होगा अधिकतम कितना होगा, अधिकतम के लिए एक और कम के लिए अस, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे दोस्तों आपका दिया गया है जेड एन प्लस टू, तो ये अकेला इसको जिंक पढ़ेंगे, ए जी प्लस वन है तो इसको सिल्वर पढ़ेंगे, ए यू प्लस थ्री इसको हम लोग गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। और आगे दोस्तों दिया गया है सी ओ यानी इसको हम कोबाल्ट बोलते हैं, और सी आर प्लस तीन है इसको हम लोग क्रोमियम बोलते हैं। आगे दोस्तों एस सी प्लस थ्री दिया गया है तो इसको हम लोग स्कैंडियम बोलते हैं, इस पर प्लस तीन चार्ज होता है। आगे दोस्तों टाइटेनियम का दो याद रखिएगा, और टाइटेनियम पर जब प्लस दो चार्ज होता है तो इसको टाइटेनस बोलते हैं, यानी कि जब आपका क्या हो कम हो तो अस आएगा और जब अधिक हो तो एक आएगा, बस इतना ऐसा याद रखना है आपको, ठीक है। तो आप जब आपका प्लस दो था तो अस आएगा टाइटेनस, और जब आपका अधिकतम होगा तो टाइटेनिक, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके क्या थे, कुछ आपके धनायन थे, आपके बेसिक रेडिकल्स थे, तो इनको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका एक बार, और इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जो होता है उसमें आपका कैटायन रहता है और एनायन भी रहता है, तो अब हमें कुछ एनायन भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये बेसिकल रेडिकल्स होते हैं, तो चलिए दोस्तों देखिए कुछ आपके सामने एनायन दिए गए हैं यानी कि अम्लीय मूलक। दोस्तों अम्लीय मूलक में आपका ऑक्सीजन ऐड होगा, याद रखिएगा आपका ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन ऐड नहीं भी हो सकता है। तो जब ऑक्सीजन ऐड होगा और जब ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा तो उसकी ट्रिक क्या है आप देख लीजिएगा, और नेगेटिव चार्ज है तो आप इसको एनायन बोलिएगा, ठीक है। तो जब आपका ऑक्सीजन ना हो, जब आपका ऑक्सीजन ना हो, जैसा देखिए एन के साथ आपका ऑक्सीजन नहीं है तो उसको इड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इड या आइड बोल दीजिए इसको, क्या बोलेंगे, इड या आइड, क्या बोलेंगे, आइड। और जब आपका ऑक्सीजन कम हो, अब देखिए जैसे नाइट्रोजन का कितना होता है, माइनस तीन, माइनस वन और माइनस वन, ठीक है, और ऑक्सीजन आपका अलग अलग है, यहाँ ऑक्सीजन था ना, यहाँ दो है और यहाँ तीन है, तो इनके बीच कंपेयर करेंगे, तो जब आपका ऑक्सीजन कम हो तो इट बोलेंगे, ठीक है, या आइड बोल दीजिए इसको, आइट, क्या बोलेंगे दोस्तों, आइट। और जब आपका ऑक्सीजन अधिकतम हो तो उसको एट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एट। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, जब ऑक्सीजन ना हो तो आइड यानी नाइट्राइड, जब आपका ऑक्सीजन कम हो यानी इट या आइट, तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइट, नाइट्राइड, नाइट्राइट। अब जब आपका ऑक्सीजन अधिकतम है तो उसको एट बोलते हैं यानी नाइट्रेट, क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। तो याद रखिएगा नाइट्राइट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिएगा आई का और ए का, ठीक है, तो इसको और यहाँ डी का, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आप इसको बहुत आसानी से जो है इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, बस आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला बनाने की गारंटी मेरी है, ठीक है, और आप भी बहुत ईजिली बनाएंगे, ठीक है, बस ये याद करने के बाद। अब दोस्तों सल्फर का है, तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन कम, यहाँ ऑक्सीजन चार है, तो जब ऑक्सीजन कम हो, बिल्कुल भी ना हो, तो आइड पढ़ेंगे यानी सल्फाइड, जब ऑक्सीजन कम हो तो आइट पढ़ेंगे यानी सल्फाइट, और जब ऑक्सीजन आपका अधिकतम हो तो एट पढ़ेंगे यानी सल्फेट। तो समझ में आया ना दोस्तों कितना इजी है, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, बस इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और पॉलीटेक्निक की जो जितने भी आपको लेक्चर मिलेंगे विथ डायरेक्ट विथ कॉन्सेप्ट मिलेंगे, पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका कॉन्सेप्ट प्लस डायरेक्ट से मैं कराऊंगा, ठीक है, बस आप चैनल से बस जुड़ जाइएगा। आगे देखिएगा दोस्तों आपका फॉस्फोरस दिया गया है, तो यहाँ माइनस तीन चार्ज है और यहाँ आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, माइनस तीन चार्ज तो दोनों में है बट यहाँ हम लोग ऑक्सीजन देख करके चलेंगे क्योंकि एनायन है ना, तो अब यहाँ तो आपका क्या है, ऑक्सीजन है नहीं, जब ऑक्सीजन नहीं है तो आइड पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, फॉस्फाइड, क्या हो जाएगा, फॉस्फाइड। और जब ऑक्सीजन आपका क्या हो, अब यहाँ अधिक और कम का तो कोई सिलसिला आपका आया नहीं, कोई कंडीशन बनी नहीं, तो आप इसको क्या मानेंगे, अधिकतम ही मानेंगे, ठीक है, अधिकतम ही मानेंगे, तो एट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एट यानी फॉस्फेट, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, फॉस्फेट। आगे देखिएगा आपका OH है और H है, तो यहाँ आपका ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जब ऑक्सीजन नहीं है तो उसको हाइड्राइड बोलेंगे, ठीक है, हाइड्राइड, हाइड आ गया पीछे, जब ऑक्सीजन है
तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों, हाइड्रोक्साइड। ये आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और यहाँ आपका हाइड्राइड हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोक्साइड है, यहाँ आपका हाइड्राइड है। अब जब ओ पर माइनस दो चार्ज होता है तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं, ये तो सबको पता है। CO3-2 को कार्बोनेट बोलते हैं, हम लोग अभी फॉर्मूले देखेंगे अगले वीडियो में, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे दोस्तों BO3 है, इसको बोरेट बोलते हैं, ठीक है, सोडियम बोरेट अभी आप पढ़ेंगे। VO2-1 जब आपका होता है तो इसको मेटा बोरेट बोलते हैं, ठीक है, ये था बोरेट और ये है मेटा बोरेट, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों AlO3 और चार्ज भी -3 है, तो इसको बोलेंगे एल्यूमिनेट और इसको बोलेंगे मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है दोस्तों। इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनको थोड़ा आप याद कर लीजिएगा। आप इसको बोलेंगे एल्यूमिनेट और इसको बोलेंगे मेटा एल्यूमिनेट, नाम भी आपके शो हुए हैं तो आप देख लीजिएगा। और इसका आप अभी पहले स्क्रीनशॉट ले लें एक, देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया। इसके बाद आप आगे देखें तो आपका है HSO3-4, तो इसको हम बोलेंगे बाईसल्फाइट। आगे है HSO4- यानी बाईसल्फेट। आगे है HCO-2, HCO3-2, तो इसको बाई कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट पढ़ा होगा, ठीक है, Na2CO, NaHCO3, इस तरीके से सोडियम बाई कार्बोनेट। और भी हैं दोस्तों आपके कुछ ऑर्गेनिक हैं तो उनको भी आप जल्दी से देख लीजिएगा दोस्तों। आगे है आपका क्या, MnO4-1, तो इसको परमैंगनेट बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ है Cr2O7, तो इसको डाइक्रोमेट बोलते हैं, पढ़ा होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। आगे दोस्तों IO3-, तो इसको आयोडेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ है ClO3-1 यानी क्लोरेट बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे क्लोराइट, ठीक है। इनका देख लीजिएगा, जब ऑक्सीजन कम है तो 8 और जब अधिकतम है तो 8। यहाँ SiO3-2 है, तो इसको सिलिकेट बोलते हैं। अब दोस्तों आपके ऑर्गेनिक के भी 4 से 5 हैं तो इनको भी आप याद कर लें, फिर हम लोग इनके क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे इनका हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ आपका HCO-1 है, इसको फॉर्मेट बोलेंगे। CH3CO-1 है, तो इसको एसीटेट बोलेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सोडियम एसीटेट CH3COONa। आपका आगे है बेंजोएट C6H5CO, ठीक है। आगे दोस्तों देखिएगा, यहाँ आपका COO है, माइनस चार्ज है, यहाँ COO-चार्ज है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसको ऑक्सीलेट बोलते हैं। आगे देखिएगा CH2COO- है और CH2O- इस पर भी, और दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया गया है, यहाँ सिंगल बॉन्ड से भी जोड़ा गया है, ठीक है। और इसको बोलते हैं दोस्तों सक्सीनेट, क्या बोलेंगे, सक्सीनेट। आगे देखिए दोस्तों आपका दोस्तों ये मेलोनेट है, इसमें आपको एक CH2 रहेगा और कार्बन की बची हुई दो बैलेंसी है उससे एक COO- और आपका दूसरा COO- जुड़ जाएगा, तो इसको मेलोनेट बोलते हैं। आगे देखिए दोस्तों आपका दिया गया है सिट्रेट, ठीक है। यहाँ देखिए कार्बन से CH2COO- ऊपर जुड़ा है और वही सेम नीचे भी जुड़ा है लेफ्ट, क्योंकि कार्बन की 4 बैलेंसी होती है ना, आपका यहाँ जुड़ा हुआ है OH और यहाँ जुड़ा हुआ है COO-, तो ये आपका सिट्रेट होता है। अब जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा कि हम लोग इनका फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, बस आपको याद कर लेना है धनायन और ऋणायन, यानी कि एनायन और कैटायन दोनों चीज़ों को। अब देखिए मैं कुछ फॉर्मूले आपके सामने शो कर रहा हूँ कि बनाते कैसे हैं। मान लीजिए आपको फेरस नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाना है, किसका फॉर्मूला बनाना है दोस्तों, फेरस नाइट्रेट का, तो फेरस आपका धनायन है, नाइट्रेट आपका क्या है, ऋणायन है, फेरस आपका क्या है, धनायन है, ठीक है, यानी कैटायन, और नाइट्रेट आपका एनायन है, ऋणायन। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि फेरस को क्या लिखा जाता है, तो फेरस को लिखा जाता है Fe+2, ठीक है, और नाइट्रेट को लिखा जाता है NO3-1 लिखा जाता है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इनके चार्ज एक दूसरे के नीचे भेज देना, इसकी क्रॉस, इसका जो चार्ज नीचे पहुँच जाएगा और इसका प्लस दो चार्ज इसके नीचे पहुंच जाएगा। तो आपने लिखा Fe, ठीक है, Fe लिखा और इसका जब 1 चार्ज है ना, ये तो काउंट करेंगे, ये कितना है 1 चार्ज और ये 2 चार्ज, तो जब Fe के नीचे 1 जाएगा यहाँ पे तो ये 1 आ जाएगा, और उसके बाद आपका NO3 लिखा है, तो अब इसका चार्ज 2 इसके नीचे आएगा, तो 2 दोस्तों केवल यहाँ नहीं पूरे में लगेगा होल में, ठीक है, इस तरीके से आपका 2 लग जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने, अब यहाँ बन का कोई आपका सेंस नहीं है, तो Fe NO3 का होल ट्वाइस आप इसे बोल सकते हैं।
इसी तरीके से दोस्तों देखिए फेरस पर मैग्नेट का आपका दिया गया है, तो फेरस आपका क्या है, धनायन है तो Fe+2 होता है, पर मैग्नेट है तो MnO4-1 होता है। अब इनके चार्ज को एक दूसरे के नीचे भेज दीजिएगा, जब इस माइनस को भेजेंगे तो यहाँ आएगा Fe के आगे, तो Fe के आगे 1 आ गया, और फिर इसके बाद +2 को भेजना है इसके भी नीचे, तो MnO4 और इसका होल ट्वाइस हो जाएगा। देखिएगा कितने जल्दी से फॉर्मूले आपके बन गए, बस आपको धनायन और ऋणायन ये दो चीज़ें याद करनी है, ठीक है, बहुत ही आसान रहेगा, आप जो है रटना छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रटेंगे तो आप कुछ ही दिनों तक उसको याद कर पाएंगे और उसके बाद भूल जाएंगे आप। अब आगे देखिए दोस्तों आपका फेरिक नाइट्रेट, तो फेरिक को बोलते हैं Fe+3 और नाइट्रेट को बोलते हैं NO3-1। अब इस वन को आप इसके नीचे भेज दीजिएगा, इस +3 को इसके नीचे भेज दीजिएगा, जब भेजेंगे तो ये Fe3-1 हो जाएगा और NO3 पूरे का होल ट्वाइस 3 हो जाएगा, क्योंकि इसको इसके नीचे भेजना है और इस +3 को इसके नीचे भेजना है यहाँ पे, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और देखिएगा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फेरिक पर मैग्नेट दिया गया है, तो फेरिक का क्या होता है, अभी देखा Fe+3, तो Fe+3 रख लिया, पर मैग्नेट का क्या होता है, MnO4-1 होता है, तो उसको भी रख लिया, उसके बाद +3 को इसके नीचे भेजना है, -1 को इसके नीचे भेजना है, तो Fe और ये 1 आएगा तो Fe1 हो गया, और MnO4 है तो, और ये 3 भी आएगा, तो पूरे का होल थ्राइज लग जाएगा आपका, ठीक है, ये बस आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसी तरीके से आपने सोडियम क्लोराइड पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड में आपका सोडियम पर क्या होता है, Na+ और क्लोराइड पर नेगेटिव, अब इसके -1 को यहाँ भेजेंगे, इसके +1 को यहाँ भेजेंगे, तो ये Na है और 1 आएगा तो ये 1 हो जाएगा, और Cl है और इसका +1 यहाँ नीचे आएगा, तो ये 1 का कोई सेंस नहीं है, तो ये NaCl हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। आगे आपका ये था फेरिक पर मैग्नेट, तो ये आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से है दोस्तों फेरस सल्फेट, तो फेरस का Fe+2 होता है, सल्फेट का SO4-2 होता है, तो इसका 2 आप इसके नीचे भेज दीजिएगा और इसका 2 इसके नीचे भेज दीजिएगा, ये थोड़ा अलग है, तो इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, Fe+2 था, SO4-2 था, इसके 2 को इसके नीचे भेजा, इसके 2 को इसके नीचे भेजा, भेजा तो क्या हुआ, Fe ये 2 यहाँ आया, आपको चिन्ह नहीं लेना, ये देखना कि चार्ज कितना है, तो 2 चार्ज है तो यहाँ आ गया, इसके बाद SO4 था, ठीक है दोस्तों, और ये +2 यहाँ आ जाएगा, अगर चार्ज आपके कट रहे हैं एक दूसरे से तो इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये Fe SO4 बन गया, क्या बन गया, Fe SO4। आगे दोस्तों फेरस फॉस्फेट आपका, तो Fe+2 फेरस का हो गया, फॉस्फेट का PO4-3 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, Fe3 PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये देखिए बन गया। फेरिक फॉस्फेट आपका है, तो फेरिक का क्या होता है, Fe+3 फॉस्फेट का PO4-3 हो गया आपका, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब 3 इसका यहाँ आ जाएगा, 3 इसका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ फेरिक सल्फेट का भी देख सकते हैं, Fe+3 हो गया, सल्फेट का SO4-2, तो इसका 2 इसके आगे जाना है और इसके 3 को इसके पीछे आना है, तो क्या हो जाएगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो दोस्तों था ना बहुत ईजी, अगर भी यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करके, ठीक है, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए वीडियो को, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, ठीक है, केमिस्ट्री अगर आपको अपनी मजबूत करनी है, उसके बेस को अच्छे से समझना है, तो इसी तरीके की वीडियो आपको डेली मिलेंगे, ठीक है, तो चैनल को इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगा ना तो वो रिलेट होगा हम लोगों का, जैसे कि आपका केमिकल फार्मूला है, तो इस फार्मूले का जो आपका कॉमन नेम होता है, ठीक है, उस कॉमन नेम को आपको याद करना है और IUPAC नेम को, तो मैं इनके IUPAC नेम और कॉमन नेम साथ में इनका जो ये संकेत है इसको भी मैं शो करूँगा, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इसी तरीके इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और चलिए तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।